हेलो दोस्तों, वीसी कंप्यूटर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटोकैड का अगला पार्ट बनाना सिखाऊंगा। पहले उसको हम 2D में ड्रा करेंगे, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऑटोकैड को ऑन कीजिए। स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके एक न्यू पेज लीजिए। यहाँ से इसकी ग्रिड ऑफ कर सकते हो। अब ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एक बॉक्स ड्रा करना है 100 बाय 150 का। तो रेक्टेंगल टूल के ऊपर टिक किया, कहीं पे भी टिक किया तो मैं लगाऊंगा एट द रेट ऑफ कितना चाहिए 100 बाय 150 का। यहाँ पे टिक करके इसको टॉप कर लो तो फुल स्क्रीन शो होने लगेगा। अब जो भी ड्राइंग बनानी है इसमें बनानी है। सबसे पहले मैं इस ड्राइंग का सेंटर पॉइंट निकालूंगा। यहां से लाइन टूल से इसके मिड पॉइंट से नीचे मिड पॉइंट तक एक लाइन लगाएंगे और ऐसे ही लेफ्ट से यहां से लेके यहां तक एक और, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। अब सारी ड्राइंग इसी के ऊपर बनना है। सबसे पहले बाहर वाले कॉर्नर को मैं 15 राउंड करूंगा, तो उसके लिए हम फिलेट कमांड यूज करेंगे। फिलेट कमांड के ऊपर क्लिक किया, आर प्रेस किया, रेडियस 15। इसमें ऑप्शन होता है पॉलीलाइन, तो पी प्रेस करके मैं पॉलीलाइन लूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा तो चारों के चारों कॉर्नर एक साथ ही राउंड हो जाएंगे। अब सेंटर लाइन से 60 ऊपर और 60 नीचे एक ऑफसेट लगाऊंगा। ऑफसेट लगाने से पहले इसको एक्सप्लोर कर लूंगा, यहां पे टिक करके इसको एक्सप्लोर टूल से तोड़ लो। अब इसके ऑफसेट लगाएंगे, ऑफसेट पे टिक किया, कितना ऑफसेट चाहिए हमें 60 का, तो 60 लिख के यहां से ऊपर यहां से नीचे दो ऑफसेट लगाए। और सेंटर से लेफ्ट और राइट को हमको 35 यानी कि 35 का लगाना है, तो ऑफसेट के टिक किया, 35 रेडियस फिल किया, उसका डिस्टेंस फिल किया, फिर यहां से लेफ्ट यहां से राइट। यहां पे सर्कल कट रहे हैं वहां पे सर्कल लगाएंगे। छोटा सर्कल है 10 डाया का, बड़ा सर्कल है 16 डाया का, तो पहले 10 डाया वाला लगाते हैं। फिर बाहर वाला एक और लगाते हैं 16 डाया का। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी एरे लगाते हैं, चार कॉपीज लगानी है इसकी, तो एरे लगाओ, चाहे आप मिरर टूल से भी कर सकते हो। पहले सारी ड्राइंग में हम एरे टूल यूज करते आ रहे हैं, आज इसको हम मिरर से लगाते हैं। जैसे जो मिरर टूल लिया मैंने, इसका और इसका मिरर बनाना है, फिर एंटर किया, फिर सेंटर लाइन के ऊपर दो बार क्लिक करके फिर एंटर करना है। अब इन दोनों का मिरर ऊपर को बनाएंगे। ऐसे मिरर टूल लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर एंटर करके ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर दो बार क्लिक करना है, एक ऊपर एक आगे और एक पीछे, फिर एंटर करना है, तो देखो इसका मिरर हो गया। अब हमें इसी सेंटर पॉइंट से 15-15 रेडियस के चार सर्कल लगाने हैं, वो भी यहीं से लगाते हैं। सेंटर सर्कल से टिक किया, यहाँ पे 15 वैल्यू फिल करना है, ऐसे ही यहाँ पे 15 वैल्यू, फिर ऐसे यहां से, ऐसे। तो दोस्तों अब क्या करना है, एक 80 डिस्टेंस दिया है, 80 इधर को, 40 इधर को दिया, 40 उधर को दिया, वहां से हमको एक 160 का ऑफसेट लगाना है। तो सबसे पहले मैं लाइन लगा लूंगा, ऑफसेट टूल पे टिक किया, 40 वैल्यू फिल करके सेंटर से 40 लेफ्ट को, 40 राइट को। अब यहां से आपको 160 का एक ऑफसेट और लगाना है, 160 का, यहां से इधर को। एक्सटेंड टूल से आप सेंटर लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहां तक, इसको यहां तक सेंटर लाइन तक बढ़ाएंगे। अब यहां से हमको 160 का एक सर्कल ड्रा करना है, तो सेंटर रेडियस के ऊपर टिक किया, यहां पे टिक करके 160 का एक सर्कल ड्रा किया, तो ये हमारा 160 का सर्कल है।
अब क्या करेंगे, जो फालतू लाइन है पहले उनको डिलीट कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे ये दोनों हमें नहीं चाहिए, ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए और ये वाली भी नहीं चाहिए, तो इनको मैंने डिलीट कर दिया। इन दोनों को डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। ये वाली हमें चाहिए अभी। अब इसको थोड़ा ट्रिम करेंगे, यहाँ पे ट्रिम पे टिक करके हमें ये चाहिए और इधर से यहां तक। ऐसे भी यहां से यहां तक ट्रिम कर लो आप। जो फालतू लाइन है उसको इरेज कर दिया। अब इसका इस तरफ मिरर बनाएंगे। मिरर टूल के ऊपर टिक किया, सेलेक्ट किया, एंटर, फिर सेंटर लाइन के ऊपर दो बार क्लिक करके फिर एंटर। अब इसको भी ट्रिम कर लो, हमें ये नहीं चाहिए। तो ये हमारा बीच वाला पीस तैयार हो गया। ये जो फालतू लाइंस हैं आप इसको इरेज कर दो। इसके ऊपर भी एक फालतू लाइन है और इसके ऊपर भी एक फालतू लाइन नहीं है। इसको कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे एक फालतू लाइन है। अब अंदर वाला पीस तैयार करेंगे, उसके लिए हमें एक 45 रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। सेंटर रेडियस कमांड के ऊपर टिक किया, 45 रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है और इसका 10 ऑफसेट लगाना है, यानी कि 5 उधर 5 इधर। तो ऑफसेट टूल के ऊपर टिक किया 5, फिर एंटर करके यहां से 5 ऊपर 5 नीचे, और इसकी एंगल वैल्यू दी है 30। पहले 90 प्लस 30 पे ड्रा करूंगा। कंस्ट्रक्शन लाइन टूल पे टिक किया, ए प्रेस किया एंगल। पहले तो 90 प्लस 30 120 का लगेगा और एक लगेगा 90 माइनस 30 160, ओनली 60 का। ए प्रेस किया एंगल 60 डिग्री का, एक यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे 30 और 120 और 60 आपस में इस लाइन को काट रहे हैं, वहां पे आपको एक 5 रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। तो सेंटर रेडियस पे गया, यहाँ पे टिक किया, 5 वैल्यूज का फिल कर देना है। ऐसे इधर भी 5 वैल्यू का एक और बनाएंगे। अब ट्रिम टूल से काट देंगे एक्स्ट्रा वाला, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसके अंदर वाले भी नहीं पीस चाहिए हमें। अब जो लाइन फालतू तो इसको डिलीट, इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट, और इस पीस का मैं दूसरी तरफ मिरर लगाऊंगा। मिरर टूल के ऊपर टिक करके आपको ये पीस सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है, फिर दो बार टिक करके फिर एंटर करना है। तो ये इसका मिरर हो गया। अब सेंटर वाला पीस तैयार करते हैं, उसमें हमको 60 डाया यानी कि 30 रेडियस दिया है। तो पहले 30 रेडियस का एक सर्कल लगाऊंगा, रेडियस वाला लगाना है, मैंने डाया का लगा दिया है। सेंटर रेडियस के ऊपर टिक करके आपको 30 का लगाना है और अंदर वाला 48 दिया है, तो उसमें सेंटर डाया पे टिक किया, यहाँ पर टिक करके 48 का एक डाया लगा दिया। अब दोनों तरफ 10 का ऑफसेट दिया है, तो ऑफसेट टूल पे टिक किया, 5 वैल्यू फिल किया, यहां से 10 ऊपर, यहां से 10 नीचे। इसको ट्रिम कर लो, अब इसकी मैं 6 एरे लगाऊंगा। तो एरे कमांड पे टिक गए, पोलर एरे पे टिक किया, जिसका एरे लगाना है उसको सिलेक्ट करके एंटर किया, फिर सेंटर के ऊपर टिक करके यहाँ पे आपको 6 वैल्यू फिल करना है। आइटम में 6 वैल्यू ऑलरेडी फिल है, तो सिर्फ मेरे को एंटर ही करूंगा।
ये देखिए, ये सारा पहले सारी ड्राइंग को हम एक्सप्लोर करेंगे। मॉडिफाई पे टिक करके, एक्सप्लोर टूल के ऊपर टिक करके सारी ड्राइंग सेलेक्ट करके एंटर करो, तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जिस जिसको जोड़ना है वहां वहां पे टिक करके इसको जोड़ भी सकते हैं, जैसे ड्रॉ पे टिक किया, मॉडिफाई पे टिक किया, सारा सेलेक्ट करके आप एक बार एंटर करो। यहाँ पे लिखा आएगा 14 रीजन क्रिएटेड, तो जे भी जुड़ गया आपस में, जे भी जुड़ गया है, जे भी जुड़ गया है, ये सारे वन पीस में कन्वर्ट हो गए हैं। सिर्फ ये वाले जो हैं वो वन पीस में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें ट्रिम टूल यूज करके इनको अलग अलग शेप में वापस जोड़ना पड़ेगा। तो चलो इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने से पहले हम इनको भी एक शेप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको ट्रिम टूल यूज करना है। सेलेक्ट करके एंटर करना है। पहले इसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे, सारे को सेलेक्ट करके एक्सप्लोर किया, फिर इसके ऊपर ट्रिम टूल यूज करेंगे। तो ये हमारे अलग अलग शेप्स मिल गई इसके। हमें सर्कल भी चाहिए और ये शेप भी चाहिए। पहले इन शेप्स को हम वन में कन्वर्ट करते हैं। रीजन कमांड के ऊपर टिक करके इन शेप्स को सेलेक्ट करके एंटर किया, तो ये सारी आपस में जुड़ गए हैं। अब यहाँ इनके सेंटर में ऊपर ही हमें दो सर्कल भी ड्रा करेंगे। यहाँ पे टिक करके एक सर्कल तो यहाँ तक होगा और दूसरा सर्कल यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं, 3D में कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले आइसोमेट्रिक कीजिए। आइसोमेट्रिक करने के बाद इसको एक्सट्रूड करना शुरू कर देते हैं। जैसे अंदर वाला ये वाला पीस है और इन सभी को एक्सट्रूड करेंगे, तो इसको आपको 20 एक्सट्रूड करना है। इसको भी और इसको भी, दोनों को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड के ऊपर टिक किया और 20 वैल्यू फिल किया। और ये वाले जो पीस हैं इनको आपको 12 वाले को 5 एक्सट्रूड करते हैं, 5 नहीं सॉरी 6 एक्सट्रूड करना है। उसके बाद ऊपर से नीचे को इसकी 14 है, 9 और 11 एक्सट्रूड इसको करना है। तो एक्सट्रूड टूल के ऊपर टिक किया, इसको इसको और इसको, इन तीनों पीस को 11 हाइट देना है। बाहर वाला जो पीस है इसको 6 हाइट देना है। और जो जो सर्कल छोटे वाले हैं, जो छोटे सर्कल हैं उनको भी 6 ही हाइट देना है। यहाँ पे टिक किया, सारे छोटे सर्कल सेलेक्ट करके एंटर, कितना हाइट देना है, 6। और जो जो जे वाले बाहर वाले सर्कल हैं इनको आपको 3 ही हाइट देना है। तो पहले सेलेक्ट करो इन सभी को, फिर हाइट एक्सट्रूड के ऊपर टिक किया, कितना देना है, सिर्फ 3। 3 भी दिया। अब इनको मूव भी कराना है टॉप, थोड़ा सा ऊपर को, और ये जो इसके पार्ट्स बने हैं इनको भी टॉप पे मूव कराना है। फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे। पहले सभी को सिलेक्ट कर लो, पहले इनको सिलेक्ट करते हैं जिनको करना है। इसको फ्रंट व्यू में ले लेंगे, फ्रंट व्यू में गए और इसके ऊपर टिक करना है, ये वाले और ये वाले, इनको मूव कमांड के साथ आपको यहां से ऊपर लेके जाना, कितना, 3। तो लिखेंगे आप एट द रेट ऑफ 3 एंगल, ऊपर को एंगल कितना आता है, 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री में मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे जो पीस बना के रखे हैं वो सारे के सारे हमको ऊपर तक लेके जाने हैं, तो मूव कमांड के ऊपर टिक किया, ये बेस दिया, यहां तक लेके जाना है। टोटल कितना है, 20। तो आप लिखोगे एट द रेट ऑफ 20 एंगल 90, तो ये पीस भी ऊपर आ जाएंगे। इसको आइसोमेट्रिक करके देखोगे तो ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे।
ये दो पीस रह गए मूव, इसको भी मूव कराना है, तो इसको राइट व्यू में ले लो, इनको सेलेक्ट कर लो दोनों को, फिर मूव कमांड के साथ यहाँ से एट द रेट ऑफ 20 एंगल 90, तो ये भी ऊपर मूव हो जाएंगे। जब आप इसको आइसोमेट्रिक करके देखोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे पीस मूव होके ऊपर आ गए। अब इनको एक्सट्रूड कमांड के साथ 5 एक्सट्रूड करना है नीचे को, तो एक्सट्रूड टूल के ऊपर टिक किया, एक एक करके मैं सारे पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके आपको एंटर करना है और नीचे को कितना रखना है, 5। तो दोस्तों हमारे सारे पीस एक्सट्रूड हो चुके हैं, अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे या फिर इसको यूनियन करेंगे वो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कलर फिल कर लो, कॉन्सेप्चुअल व्यू पे जाके अलग अलग कलर दे देते हैं ड्राइंग को, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में गए, उसको अलग कलर दे दिया। इस वाले पीस को भी आप अलग कलर दे दो, रेड दे दो। और इस पीस को येलो कर दो। अब सबट्रैक्ट कमांड्स यूज करते हैं। सबसे पहले सबट्रैक्ट कमांड से बाहर वाला पीस लिया, फिर एंटर किया, उसमें से हमको ये वाले लेस करने हैं दोनों। फिर आप एक बार एंटर करोगे तो वो लेस हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से इसको भी सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट कमांड लेके इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके एक बार एंटर करो, और इसको दोबारा कमांड उठाते हैं, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके एंटर, फिर जिसको सबट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट किया दोनों को, फिर एंटर किया, तो ये भी दोनों के आर पार हो जाएंगे। अब जो बीच वाला सर्कल है उसको भी आर पार करना है वो तीनों में से, तो फिर सबट्रैक्ट कमांड उठाई यहां से और इसको सिलेक्ट करके एंटर किया, और बीच वाले सर्कल को सिलेक्ट करके एंटर किया, तो वो आर पार हो जाएगा। अब जो शे वाले नीचे को डाउन जो किए हैं उनको भी सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट कमांड के ऊपर टिक करके एंटर, फिर जिस जिसको सबट्रैक्ट करना है उस उसको सिलेक्ट। एक सबट्रैक्ट होने से रह गया, इसको दोबारा कर देते हैं। सबट्रैक्ट कमांड के ऊपर टिक किया, सिलेक्ट करके एंटर, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर। सबट्रैक्ट कमांड के ऊपर टिक किया, सिलेक्ट करके एंटर, ऐसे। तो देखो दोस्तों हमारी 3D तैयार है, ऑर्बिट से आप इसको चेक कर सकते हो घुमा के भी कैसी बनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो नए दोस्त आए हैं वो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।